शहर के अधिकांश हिस्सों में पेयजल व्यवस्था को लेकर हो रही परेशानियों से आक्रोशित भाजपाई पार्षदों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था सुधारने को लेकर निगम आयुक्त को 2 दिनों की मोहलत दी। भाजपा पार्षद दल के द्वारा शहर में लगातार हो रही पेयजल की व्यवस्था को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दुर्ग निगम कार्यालय पहुंचे भाजपाइयों ने पेयजल व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही निगम की लापरवाही के चलते पिछले 4 दिनों से शहरों में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर पार्षदों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप 2 दिनों में व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में दुर्ग के वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद ने दुर्ग महापौर और निगम आयुक्त पर निशाना साधते हुए बातें कही। पूरे दुर्ग शहर में लगभग 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इंटरवेल में कचरा आ गया करके ये शब्द होते हैं नगर निगम के। इंटरवेल में कचरा कैसे आया? इनकी अपनी खुद की लापरवाही है। आज दुर्ग शहर पानी को तरस गया है। यहाँ के कमिश्नर, महापौर, इनकी लापरवाही है। यहाँ ये आलम है, अगर पानी नहीं आ रहा है तो सूचना तो दे दे, कम से कम सूचना दे दे। कोई सूचना नहीं दे रहे। हम फोन लगाते, हमारा फोन भी नहीं उठाया जाता। मतलब आप समझ सकते हो, महापौर विधानसभा चुनाव को हारने के बाद वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा, अरे हार जीत तो जीवन का पहलू है भाई। 5 साल की जिम्मेदारी जनता ने दी है, आप अब उस 5 साल की जिम्मेदारी को तो बखूबी निभाएं। आज ये आलम है शहर का, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पूरे शहर में गड्ढे मिलेंगे। कि कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई शहर की सड़कें नहीं है जहाँ पर गड्ढे नहीं मिलेंगे। मेरे वार्ड में इतने गड्ढे मिलेंगे, इतने जितनी सड़क हैं उससे ज़्यादा गड्ढे। कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं भाई। कई लोगों की कारें टूट गई हैं, बाइक टूट गई हैं, इवन कई जानवर आहत हो गए हैं। बच्चे आज कल या परसों की बात है, एक बच्चे का पैर टूट गया, 95,000 रुपये लगा उस परिवार को। वो परिवार बताओ कैसे उन पैसों को वहन करेगा और कैसे ये करेगा। अरे जैसे तैसे जीवन चल रहा है, उसमें इतना बड़ा खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये पूरी लापरवाही मैं समझता हूँ दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर और महापौर की है। उनको धरातल पे आकर के काम करना चाहिए। या महापौर सूचना दे रहा है, कम से कम पार्षद सूचना दे रहा है, उस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ वो अपने हार के इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक रूम में अपने आप को बंद कर दिया महापौर जी ने। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।